मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? नमस्कार। ओके ओके, साउंड जा रहा है ना? ठीक है ठीक। रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए, करेंसी को बाय किया है अलग, ठीक है। करेंसी का छोटे स्टॉप लॉस के साथ करेंसी को मैंने बाय किया है। आप लोग भी चाहें तो इसी स्टॉप लॉस पर बाय कर सकते हैं। मार्केट ओपन हो गया, समय 9:16 हो रहा है, देखिए 15 सेकेंड है ना। तो करेंसी को यहीं पर हम लोगों ने बाय कर लिया है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। चोला फाइनेंस और बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट भी देखिए बहुत तेजी से ही भाग रहा है। 244 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर रहा हूं। नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग। ये बिरला सॉफ्ट भागे जा रहा, मुझे तो नहीं दिया बाय करने, पता नहीं क्यों नहीं दिया। चलिए देखते हैं क्या लेवल कहाँ आते हैं, क्या होता है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 200 क्वांटिटी 676 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक। ठीक है, छह सौ साठ ये सब टारगेट होगा। क्या कह रहे हैं आईसीआईसी बैंक? हाँ, SL 676 छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल किया है। वेट करते हैं 670 पहले, उसके बाद जो है 665 के आसपास, 66 के पास भी आने के चांस बनेंगे। चोला फाइनेंस पे नजर रखेंगे हम लोग।
200 क्वांटिटी 531 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर रहे, रिजेक्शन हो गया है। अच्छा वेट करेंगे, इसको सेल करेंगे, ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको सेल करना है चोला फाइनेंस को, पता नहीं ये सेलिंग होगा। ठीक है, करेंट प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं 532 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे तो रिजेक्ट कर दे रहा है। चोला का एसएल होगा 532, कैनफिन हो, ओके आई विल चेक। कैनफिन होम हाँ 525 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, 525 के ऊपर भी कैनफिन होम में एक 526 एक्चुअली 526 के ऊपर। करेंसी को मैंने बाय किया था, आप लोगों को मैंने बताया था ना, मैंने बाय किया हुआ करेंसी को करेंट लेवल पर। आप लोग भी चाहें तो करेंट लेवल पे छोटा स्टॉप लॉस 72.66 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है टारगेट की तरफ, और ये 670 का टारगेट डन हो गया आईसीआईसीआई बैंक में। मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को ले आऊंगा, नो रिस्क एंड रिस्क जीरो, एंड रिस्क जीरो हो गया हमारा, क्लियर। आप लोग भी रिस्क जीरो कर सकते हैं और इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 474 इधर चल रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक ठीक ठाक आ रहा है, देखिए जबरदस्त आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है नीचे, 644 का प्रॉफिट हो चुका है, 654, 634। मैं पोजीशन दिखा दूं ऑल पोजीशन व्यूवर्स को, ऑल पोजीशन 704 रुपए का प्रॉफिट है, करेंसी में 50 का प्रॉफिट और आईसीआईसीआई बैंक में 634 का प्रॉफिट, 684 टोटल प्रॉफिट, 704 हो गए। तो फर्स्ट टारगेट नियर आईसीआईसीआई बैंक, सात सौ चौदह हो गए। आईटीसी बाय, ओके परमोती चेक कर लेते हैं। आप आईटीसी ने आप मैक डबल एन पे भी नजर रखिए और गोदरेज कंज्यूमर पे भी नजर रखिए। आईटीसी को बाय करेंगे अगर तो 520 के ऊपर, मैक डबल एन को भी बाय करेंगे 575 के ऊपर। बिरला सॉफ्ट का छोटा सा कहां गया, बिरला सॉफ्ट कहां पे बाय कर लिया, बिरला सॉफ्ट छोड़ दिया, पहले ही 5 मिनट में, ओके ठीक। 242
बिरला सॉफ्ट का क्या एसएल था, एसएल तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, बिरला सॉफ्ट उस वक्त तो रिजेक्ट कर दिया ना, 242 का स्टॉप लॉस होगा बिरला सॉफ्ट में, 242 का स्टॉप लॉस। चोला का टारगेट वो 664 के आसपास का चोला, चोला का टारगेट, अच्छा इसका टारगेट शेयर बोला इसमें है ना 532 के स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर लगा के कर सकते, इसका टारगेट अगेन 520 के आसपास आना चाहिए, रिजेक्शन आ रहा है इसको। आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लें, 668 का पहला टारगेट था। आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं प्रॉफिट बुकिंग पे खास बोलूंगा। करेंसी भी ठीक चल रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लिया आप लोगों ने इस पर आईसीआईसीआई बैंक पर। ओके बढ़िया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, मेरा कुछ यहां से नहीं जाएगा, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। आई एम आल्सो, अच्छा आपने भी कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, ठीक है वेट करिए। चोला का एसएल देखिए, गजब 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 गजब, आना है इसको नीचे, लेकिन ये जाएगा जाएगा आएगा नीचे, लेकिन जाएगा। इंडिगो क्या लिखना, इंडिगो पेंट्स की इंडिगो फ्लाइट हवाई जहाज, हाँ बलवीर साहब फ्लाइट, अब इंडिगो लिखने से ना दो दो आ जाते हैं, पेंट भी आते हैं फ्लाइट भी आते हैं, ये वो भी आता है। आईटीसी, आईटीसी तो नहीं गया, एक किसी ने कहा था कैनफिन ना, कैनफिन सस्टेन कर रहा है। इंडिगो क्या करना था, इंडिगो आपको फ्लाइट एसएल बाय, ओके अभी तो क्या देख रहे हैं, बाइंग का तो जोन है लेकिन हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत कर रहा है, 28 के ऊपर ठीक लग रहा है, 40 का टारगेट, 35 और 40 के टारगेट के लिए। कहां गया आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मेरा ट्रेलिंग एसएल कटा है, जो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने रखा था, दिखा देता हूं आईसीआईसीआई बैंक, ये देख
129 रुपया का प्रॉफिट, इसमें 4 रुपया का प्रॉफिट लेके निकला। आप लोगों ने पूरा प्रॉफिट बुक किया ना आईसीआईसीआई बैंक में। एलटी एलटी तो बाय का व्यू है सर, एलटी तो 64-65 के ऊपर निकलेगा तो एलटी और अच्छा भागेगा। ट्रेलिंग एसएल कटा, लेकिन इसको फिर आना होगा नीचे। मैं दोबारा से एक छोटा सा 674 के ही स्टॉप लॉस के साथ सेल कर रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने सेल किया वापस से इसको। ₹1565 के ऊपर एलटी पॉजिटिव लग रहा है। ट्रेलिंग एसएल, हाँ ट्रेलिंग एसएल, अच्छा आपका ट्रेलिंग एसएल कटा था तो आप प्रॉफिट में कटे होंगे। चोला फाइनेंस फिर नीचे आ गया। वो सर मैंने क्या बोला कि चोला नीचे ही आना होगा, वो एसएल काट के आ जाएगा नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आना उसको नीचे ही होगा, है ना। देखिए आ रहा है ना नीचे, उसको आना नीचे ही है। अब वो जितना तंग कर ले वहां पर, ठीक है चोला नीचे आ रहा मेरा तो कहाँ की आईसीआईसीआई बैंक है ना, आईसीआईसीआई 674 ही रखा है। हाँ देखते हैं क्या आता है इसका। क्या बच्चा इसमें कुछ नहीं, देखते क्या प्रॉफिट आ रहा है इसमें, आ जाएगा 663-664 तक आना चाहिए। यूपीएल पे नजर रखिए, यूपीएल 544
544 के ऊपर निकलने के बाद यूपीएल अच्छी रैली दिखाएगा। करेंसी कहाँ है? करेंसी ठीक चल रहा है, पोजीशन दिखा दूं, 414 का प्रॉफिट है, 459 है। सिक्स सिक्सटी फोर तक इसको जाना चाहिए। HDFC बैंक है ना आपका, दो % ऊपर है। सर 1640 के पास रिजेक्शन है HDFC बैंक को, 1640 पे थोड़ा सा संभल जाइएगा, 1640 वो रिजेक्शन पॉइंट है HDFC बैंक, मूवमेंट में है लेकिन 1640 एक रिजेक्शन है। हाँ, हम ICICI बैंक बस नजर रखे, चोला फाइनेंस आया नीचे क्या? चोला फाइनेंस आ रहा है ना, 524 और 520, इसको आना तो नीचे ही है, चाहे वो जितना नाटक कर ले वो आएगा नीचे ही, 524 और 520 के टारगेट के लिए। और बिरला सॉफ्ट ऊपर 242 का इसका करेक्ट असल था, 242 का 242 जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है, 242 का स्टॉप लॉस वो तो नहीं कटा है और बहुत अच्छे तरीके से जा भी रहा है, इसको ऊपर जाना है उसको नीचे आना, लेकिन कहते हैं ना कि जितना नाटक करता है कर ही रहा है। टाटा केमिकल राघव जी, ठीक है सर देख लेता हूँ, एक मिनट, केमिकल कंपनियां शायद पॉजिटिव रहने वाली है सर,
584 के पास एक दिक्कत है, उसको 584 के पास 584 के पास से वो रिजेक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। 584 के आसपास कहीं शॉर्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी लॉगिन हुआ हूँ, ट्राई ट्रेड, ओके। तो दो ट्रेड हैं, वही ICICI बैंक है शॉर्ट किया हुआ है, करेंसी बाय किया हुआ है, और चोला फाइनेंस को चाहे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऐसे रिस्क 532 का होगा यहाँ पर चोला फाइनेंस में। टाटा केमिकल 584 के पास ना, उसको एक हर्डल है, थोड़ा सा परेशानी है उसको, है ना, थोड़ा परेशानी। तो इसको कहीं इसी के आसपास थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लगा के रिस्क लेके या तो शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी रिस्क से बड़ा हो जाए, जब वहां आ जाएगा तब, या उसके ऊपर टिक जाएगा तो फिर बाइंग में चला जाएगा। तो ये फिलहाल वो हर्डल ले रहा है। करेंसी ले लिया ना आप लोगों ने, सेवेंटी टू पॉइंट सेवेंटी फोर का एक टारगेट है, उसके बाद सेकेंड टारगेट 72.78 का। एक ये टारगेट है और एक ये टारगेट है। ऑल पोजीशन यही है, 424 का ही प्रॉफिट है फिलहाल। ICICI बैंक दोबारा से आने लग गया नीचे है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आते जा रहे हैं। 524 वापस हो गया, ये देखिए 524 ऑल पोजीशन दिखा दूं तो 880 का प्रॉफिट है। दो ट्रेड है, ICICI बैंक और करेंसी, 904 हो गया, 929 हो गया। 664 के पास बुक करेंगे हम लोग, 664 के पास बुक करेंगे, 774 764 54 767 चलिए 667 आ जा, 664 के पास बुक किया जाएगा इसको। तो मार्केट इतना ऊपर है, आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में होगा, आपके पोर्टफोलियो में आज कोई चेंज नहीं है, कल भी कोई चेंज नहीं था जबकि मार्केट बहुत ऊपर था। ऐसा क्यों हो रहा, मार्केट क्या बताना चाह रहा, कुछ तो कह रहा होगा मार्केट, कुछ तो समझाना चाह रहा होगा कि भाई हम बहुत पॉजिटिव है, हम बहुत ऊपर है, लेकिन देखो तुम्हारा पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है दो दिन से, आखिर कहां गलती हो रही है, क्या गड़बड़ा रहा है। मैं अगेन इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करूंगा, एक बार रिफ्रेश करता हूं, सेक्टर वाइज चल रहा है शायद। अब अमित जी अभी तो अभी अमित जी कह रहे थे इंडेक्स मैनेज हो रहा है। मैंने पूछा था आखिर कौन मैनेज कर रहा है इंडेक्स को, तो अब आप अब लिख रहे हैं कि सेक्टर वाइज चल रहा है शायद। ये सब ना हम लोग एक दूसरे से, जो ये इंडेक्स मैनेज हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से क्या करते हैं ना, देखिए वही मैं खोजा था, मैंने 50 क्वांटिटी और लिया था, मेरा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, 50 क्वांटिटी का नहीं दिखा रहा है, कहाँ गया, अभी रिफ्रेश किया तो आया वो 50 क्वांटिटी। देखिए ऑल पोजिशन जो है हमारा हो गया 1400 का, क्लियर है, 1400 का ऑल पोजिशन है हमारे पास, 1407 1332 लो लगाया है इसने, 666 का 664 के आसपास बुक कर लेंगे,
पचास में भी, कह रहे कि मैंने तो 250 लिया था, 200 क्यों दिखा रहा है, रिफ्रेश करना पड़ा, 1220 हो गया। धीरे धीरे आ रहा, 64 के पास बुक कर लेंगे हम लोग। कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे मैंने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट समझिए, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। यूएसडी फर्स्ट टारगेट डन हो गया, अच्छा यूएसडी भी जा रहा है ऊपर, चलिए चेक करते हैं यूएसडी। हाँ 400 के प्रॉफिट तो चल रहा है यूएसडी में। 574 वाला टारगेट डन हो गया ना लगभग, हाँ बुक कर लीजिए थोड़ा क्वांटिटी, 74 वाला बुक हो गया आप लोगों का, बुक कर लीजिए प्रॉफिट 74 वाला। नेक्स्ट टारगेट 78, कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए यहाँ पर और बाकी वेट करते हैं हम लोग। छह सौ देखिए 64 के पास बुक कर देंगे, ये नीचे आ रहा है बिल्कुल 664 का लो लगा दिया है, 665.50 का 664 के पास बुक करना है। चाहे तो यहां से भी बुक कर लीजिए, बुक कर ले क्या क्या कहते हैं, ICC में बुक कर लिया जाए। ओके चलिए बुक कर लेते, ये कर लिया बुक। ओके तो हमारा बुक हो गया 1400 रुपये इसमें। अब देखिए वो नीचे 664 पे आ रहा है, देखिए आ रहा है ना 665 का लो लगा दे, देखिए 664 पे आ रहा है, 664 ही टारगेट है, दूसरा कोई टारगेट नहीं है हमारा। तो आप लोग यहां से निकल जाइए, अब हम भी निकल गए 1754 रुपये का प्रॉफिट ले, हो गया खत्म। समय ऐसे हो रहा है 9:55 और 20 सेकेंड, क्लियर। कोई ट्रेड नहीं है अब, एक सिर्फ करेंसी का ट्रेड है जो कि चला जा रहा है, ठीक है। ओके 2800 अरविंद जी ने बुक कर लिया, गजब। ICICI बैंक 1600 बुक कर लिया शशांक जी ने, बढ़िया। और करेंसी भी कुछ क्वांटिटी आप लोग बुक कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज का काम हो गया है, यही दो ट्रेड रहे हमारे, बाकी करेंसी लगा हुआ है, करेंसी चलेगा जहां तक जाना है चलेगा। 78 तक का इसका फाइनल टारगेट होगा। और आपको पता है मैं करेंसी में बहुत वेट करता हूँ, मैं पूरा टाइम देता हूँ करेंसी में। यहाँ पर इसको खुला रखा है, इसको मैंने जाने दिया। तो करेंसी भी सही है, ऑल पोजीशन 1800 के साथ है। अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अच्छा शशांक जी कह रहे हैं कि आप बुक कर लीजिए सीमेंस में, हाँ मैं भी कर लेता, 100 क्वांटिटी 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सेल किया था। ओके आप लोगों ने बुक कर लिया ना, तो पहले इसको मैं बुक करता हूँ, ये 1300 मैंने बुक कर लिया 100 क्वांटिटी में सीमेंस में। समय हो रहा है 10:28 देखा, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल किया और हम लोगों ने इसमें 3288 रुपये का प्रॉफिट हम लोग का बन गया, 3300 रुपये का। आप लोग भी बुक कर लीजिए भाई, सारे लोग हो गया ना। तो हम लोगों ने तीन ट्रेड कर लिए, ICICI बैंक में 1354 का प्रॉफिट बना, सीमेंस में 1284 मात्र 100 क्वांटिटी में, और करेंसी में 700 का प्रॉफिट चल रहा है। एक करेंसी ही ट्रेड है हम लोग, बाकी 3300 का प्रॉफिट के साथ हम लोग का काम हो गया। क्या लिख रहे हैं, सीमेंस अल्टीमेट ट्रेड, हाँ अच्छा ट्रेड है, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया है ना। 2600 अरविंद जी ने भी सीमेंस में बुक किया, एक छोटा सा 2.3 पॉइंट के स्टॉप लॉस से सेल किया यहाँ पर, है कि ना, और अच्छा मिल गया रिवॉर्ड, अच्छा मिला हम लोग रिवॉर्ड, हम लोग को लगभग लगभग 1:5 का मिला ना, 1:4 का। तो तीन ट्रेड हो गए सर, अब क्या दिक्कत है, अब काफ़ी, अब बंद किया जाए सर, बसंत पंचमी एंजॉय करिए, 10:30 बज गए, ऐसे 3300 प्रॉफिट वो खराब तो है नहीं, है ना। चलिए ठीक है ना, बढ़िया है। दोस्तों समय हो रहा है 11:02 और 7 सेकेंड और ऑल पोजीशन आपके सामने है, 4054 का प्रॉफिट चल रहा है। देखिए दो पोजीशन जिंदा है, करेंसी में और एक चोला फाइनेंस में मैंने एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे लिया हुआ है फिलहाल। तो ये स्टॉप लॉस है, लेकिन ये फाइनल स्टॉप लॉस नहीं, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ बिल्कुल, देखिए ये छोटा कर दिया। और 126 का इसमें प्रॉफिट है चोला फाइनेंस में मुझे,
और यहाँ पे 126 चलता है, ऑल पोजिशन है 4100 का प्रॉफिट हो गया। करेंसी इसमें सबसे बड़ा रोल जो है करेंसी निभा रहा है 1300 के प्रॉफिट के साथ। आप देखिए करेंसी का जो टारगेट मैंने अपने लोगों को बताया था वो 78 वाला टारगेट वो आ चुका है, आपने वीडियो में सुना भी होगा। 74 का एक टारगेट था, 73.74 और 73.78, तो 78 का ये टारगेट हो चुका है डन। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। अगर इसको एक 78 के इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है देन एक बड़ा टारगेट भी बन सकता है जो कि 82 तक जाने की चांसेस बनाएगा, 82 तक। तो मैं वेट करूंगा फिलहाल करेंसी में। ऐसे 20 लॉट है, 10 और 10, तो मैं 10 लॉट को यहाँ पे से बुक कर लेता हूँ, है ना। इसे 10 लॉट का मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, बाकी 10 लॉट का वेट करूंगा। तो 20 में से 10 मैंने माइनस कर दिए दोस्तों, और 10 को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑल पोजिशन है वापस मैं आपको शो कर दूँ, तो 4000 के आसपास का वही प्रॉफिट चल रहा है। तो चोला फाइनेंस और करेंसी ये मेरा ट्रेड है, बाकी और पोजीशन यहाँ है। ICICI बैंक में 1354 प्रॉफिट, सीमेंस में 1284, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का था, वहाँ से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। और 1860 का मैंने टारगेट भी बोला था कि 1860 आएगा, तो वो 1860 आ भी गया था, यहाँ देखिए 1860 आ गया, तो एक अच्छा यहाँ पे टारगेट, लेकिन हम लोग 64 के आसपास निकल गए थे। उसके बाद करेंसी में 1200 का प्रॉफिट चल रहा है, चोला फाइनेंस में 6000, टोटल प्रॉफिट 4000 के आसपास का। वेट करेंगे कि और क्या रिजल्ट आते हैं, करेंसी का कहां तक 82 तक जा पाता है या नहीं, क्योंकि मैंने 10 लॉट बुक कर लिया तो कोई टेंशन ऐसे भी नहीं है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूं, समय हो रहा है 11:04:06। तो दोस्तों समय हो रहा है 11:11:26। देखिए 72.82 का जो टारगेट था वो भी करेंसी में मेरा आ गया, जो मैंने आपको बताया इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट डन हो जाएगा। तो देखिए 72.82 का टारगेट डन हो गया। अब इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो और भी बड़े टारगेट आ सकते हैं, 85 तक का एक टारगेट दिखा सकता है, 72.85 तक का एक लेवल दिखा सकता है करेंसी। तो फिलहाल 1700 का प्रॉफिट करेंसी में चल रहा है, सिर्फ 10 लॉट ही बचे हैं। मैं अपना स्टॉप लॉस भी टेल कर रहा हूं बीच बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑल पोजिशन की बात करें तो ऑल पोजिशन 4150 रुपए का हो चुका है। हाँ, चोला फाइनेंस में आप देख लीजिए, चोला फाइनेंस में वापस से एक छोटा सा 64 रुपए का ओनली लॉस है, तो कोई खास लॉस नहीं है चोला फाइनेंस में, प्रॉफिट में आ जाऊंगा उसमें भी कोई टेंशन उतना नहीं है। फिलहाल नहीं भी अगर आऊंगा प्रॉफिट में चोला फाइनेंस में तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4200 के आसपास के प्रॉफिट में बना हुआ हूं और वेट करेंगे क्या ये 5000 हो पाता है या नहीं हो पाता है, 5000 के लिए वेट करते हैं हम लोग। हालांकि 4000 भी अच्छा है, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कोई दिक्कत नहीं है, और इस सरस्वती पूजा पे क्या लक्ष्मी 5000 आती है या नहीं ये मैं देखना चाहूंगा, वेट करूंगा फिलहाल, और रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। करेंसी तो टारगेट डन हो गया हमारे, ये तो मस्त हो गया है ना, करेंसी मस्त टारगेट आ गया। स्टॉप लॉस भी ऊपर है मेरा, कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर करता चला जाऊंगा कैंडल बाय कैंडल, तो कोई टेंशन नहीं, हर प्रीवियस कैंडल वैसे करके स्टॉप लॉस को उठा लूंगा, तो कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ दोस्तों। समय हो रहा है 1:04:12। आप देखिए 5000 का जो मैंने टारगेट रखा था वो 4800-4900 के आसपास आ चुका है, 5000 वाले देखिए 4900 हो गया, जिसमें कि करेंसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। करेंसी में 2150 का प्रॉफिट चल रहा है, वो भी 10 लॉट ही, क्योंकि 10 लॉट मैंने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर वो 10 लॉट अभी बुक नहीं करता पहले वाले, तो 5000 से ऊपर का भी प्रॉफिट बन चुका रहता करेंसी में, ये ओवरऑल मेरा पोजीशन बन चुका रहता अगर वो 10 लॉट में बुक नहीं करता, तो भी वो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। बीच बीच में अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। तो यही हमारा ट्रेड है, 5000 का ट्रेड हमारा जो टारगेट था वो लगभग पूरा गया दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। और एक ट्रेड जो चोला फाइनेंस में, वो तो अभी भी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, चोला फाइनेंस का मॉडिफाई करता जा रहा हूं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें से नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो परेशानी करता है, मैं बीच बीच में इसको मॉडिफाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसका बिलीव है ये नीचे ही आना है, तो इसको मैं नीचे ही आता हुआ देख पा रहा हूं। चलिए ये स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया, इसका कुछ नहीं जानना है, और यहां पे 5000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट बन चुका है 4800 का। तो चलिए वसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हो सकता है ये 5000 से और ऊपर भी चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा कि USD INR गर्दा प्रॉफिट बना के दे रहा है ना, शानदार प्रॉफिट बना के दे रहा। तो अब USD INR से निकलने का राइट टाइम भी है, निकल भी सकता हूं, या तो अपना स्टॉप लॉस को और ऊपर ला के रख सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें भी बात नहीं। तो चलिए वेट करेंगे और रिकॉर्डिंग अब बंद करता हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है, आप लोग देख ही रहे, 4800-4900 का प्रॉफिट है, 5000 हो ही चुका है। तो बंद करूंगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।